हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पुनः हम उपस्थित हैं आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेकर के। और आज का जो टॉपिक है ये है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानताएँ हैं, क्या असमानताएँ हैं। आज इस टॉपिक को हम लोग पूरा डिटेल से कवर करने वाले हैं। चूँकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये प्राचीन इतिहास का ये दो ऐसा टॉपिक है जो बड़ा ही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं, अब यहाँ से कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और चूँकि दोनों टॉपिक को हम एक साथ लेके आए हैं और तुलनात्मक दृष्टि से हम लोग पढ़ेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो एक तो इसे दो फायदे हैं। एक तो आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा और दूसरा साथ ही साथ यहीं पर आपका जो है पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। एक्चुअली में अगर बात करें हम जैन धर्म की, तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो ऋषभ देव को ही आदिनाथ भी कहा जाता है। क्योंकि जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है वो महावीर स्वामी को कहा जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो महावीर स्वामी को कहा जाता है। चूँकि संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा अंतर ये है कि जो जैन धर्म की नींव जिसने डाली थी तो वो ऋषभ देव थे या आदिनाथ थे, लेकिन जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी, यानी कि सर्वाधिक जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसके टाइम पीरियड में हुआ, तो महावीर स्वामी के टाइम पीरियड में हुआ। एक्चुअली में जो है जैन धर्म अपने इनके टाइम पीरियड में, महावीर स्वामी के टाइम पीरियड में जो है अपने स्वर्णिम काल में था, यानी कि इसलिए जो है इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चूँकि इससे पहले पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो विभाजन हो गया था, हीनयान महायान और श्वेतांबर दिगंबर को जो है पूरा डिटेल से हमने उस टॉपिक को कवर किया था। वहाँ पे जो कन्फ्यूजन होता है उसको हमने पूरा क्लियर किया था, तो आप लोग पिछले वीडियो में जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। लेकिन आज इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग आइए टॉपिक पर देखते हैं, और आज के बाद यहाँ से कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा और ना ही किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि आज हम लोग पूरा एकदम डिटेल से कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, तीन पॉइंट के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। तुलनात्मक बिंदु कौन सा पॉइंट है, इसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म इस पर क्या समानताएँ हैं और क्या असमानताएँ हैं, हम पूरा जो है डिटेल नोट करते हुए चलेंगे पॉइंट टू पॉइंट। आप जो है साथ साथ नोट करते चलिएगा। तो आइए देख लेते हैं, सबसे पहले जन्म, इनका जन्म कहाँ हुआ था, महावीर स्वामी का और गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो देख लेते हैं। जन्म जो हुआ था इनका वो 540 बीसी में, वो कहाँ हुआ, कब हुआ था, तो 540 बीसी में हुआ था, 540 बीसी में हुआ था, वो हुआ था कुंडग्राम वैशाली कहाँ है, तो ये है वैशाली कहाँ है, तो वैशाली है बिहार में, वैशाली बिहार में। जैन धर्म का जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वो 540 बीसी में हुआ था, कहाँ हुआ था, कुंडग्राम कहाँ है, वैशाली में है, वैशाली यानी कि बिहार में, तो इनका जन्म जो हुआ था वो 540 बीसी में हुआ था। इसके बाद महावीर स्वामी का जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म देख लेते हैं हम, इनका जो जन्म हुआ था वो 563 बीसी में हुआ था, कब हुआ था इनका जन्म, तो 563 बीसी में हुआ था, 563 बीसी में हुआ था इनका जन्म, और हुआ था कपिलवस्तु कहाँ है, लुम्बिनी में, और लुम्बिनी कहाँ है, तो वर्तमान समय में ये नेपाल है, कपिलवस्तु लुम्बिनी, तो ये लुम्बिनी कहाँ है, ये वर्तमान समय में ये नेपाल में है। तो इनका जन्म 540 बीसी में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था, इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था, कपिलवस्तु लुम्बिनी और नेपाल में हुआ था। इसके बाद इनके बचपन का नाम देख लेते हैं, इनके बचपन का नाम था वर्धमान, और महात्मा बुद्ध के जन्म बचपन का नाम था सिद्धार्थ,
सिद्धार्थ। सिद्धार्थ सिद्धार्थ एक्चुअली में जो इनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के, वही इनके पिताजी का नाम है महावीर स्वामी के। तो यहाँ कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो इनके बचपन का नाम है वही इनके महावीर स्वामी के पिताजी का नाम है सिद्धार्थ। तो इनके बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और इनके बचपन का नाम गौतम बुद्ध के, तो इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इसके बाद इनके पिता का नाम देख लेते हैं। अगला पॉइंट कौन सा है? अगला पॉइंट है इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम अगर देख लें तो इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। और इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन। इनके पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन। इनके पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन। शुद्धोधन इनके पिताजी का नाम था। और ये जो थे, ये जाति कुल के मुखिया थे। ये जात्रिक कुल के ये मुखिया थे। मुखिया थे ये जो है सिद्धार्थ के पिता क्या थे, सॉरी ये जो है महावीर स्वामी के पिता क्या थे? सिद्धार्थ। ये जो है जात्रिक कुल के मुखिया थे। ये जात्रिक कुल के मुखिया थे। और ये महावीर स्वामी के जो पिताजी थे शुद्धोधन जो थे, ये कपिल वस्तु के जो है ये भी क्या थे? ये मुखिया थे कपिल वस्तु के। इसके बाद है अगला पॉइंट जो है वह है इनके माता का नाम। महावीर स्वामी के माता का नाम है त्रिशला। इनके माता का नाम क्या था? त्रिशला जो थी, ये लिच्छवी का जो चेटक राजा था उनकी जो बहन थी। एक्चुअली में आप जब महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ महाजनपदों में जो है दो ऐसे महाजनपद थे जहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यानी कि उस समय जो है 10 गणराज्य थे। उस टाइम पीरियड में कुल 10 गणराज्य थे, तो उसी 10 गणराज्य में एक लिच्छवी भी था। तो वहाँ के लिच्छवी का जो चेटक था उनकी जो है बहन थी त्रिशला। त्रिशला जो है इनके माता का नाम था। और महावीर स्वामी की माता का नाम जो था वो था महामाया जो है इनकी माता का नाम था। एक्चुअली में जो है महावीर स्वामी के जन्म के 7 दिन बाद ही जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी माताजी की मृत्यु हो जाती है। और जो इनका पालन पोषण जो करती हैं वो इनकी मौसी, यानी कि प्रजापति गौतमी जो थी वो इनकी मौसी थी। और इनके पालन पोषण का जिम्मेदारी जो है वो वही उठाती हैं, प्रजापति गौतमी। इसके बाद है अगला जो पॉइंट है वो है इनका विवाह किससे हुआ था, इन दोनों लोगों का विवाह देख लेते हैं। विवाह एक्चुअली में जो इनका विवाह हुआ था महावीर स्वामी का जो विवाह हुआ था वो यशोदा के साथ। इनका विवाह किससे हुआ था? तो इनका विवाह जो हुआ था वो यशोदा के साथ हुआ था। और इनका विवाह जो हुआ था वो यशोधरा के साथ हुआ था। दोनों में देख लीजिए, यहाँ इनकी पत्नी का नाम यशोदा है और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम यशोदा है महावीर स्वामी के, और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा है। इसके बाद है अगला पॉइंट कौन सा है संतान। एक्चुअली में एक ही संतान महावीर स्वामी के भी थे, एक ही संतान जो है गौतम बुद्ध के भी थे। इसके बाद इनकी जो पुत्री थी, महावीर स्वामी की एक पुत्री थी और उसका नाम था, महावीर स्वामी के पुत्री का नाम था अड़ुज्जा। कहीं कहीं अड़ुज्जा मिलता है और कहीं कहीं अनुज्जा मिलता है। अड़ुज्जा प्रियदर्शना
अड़ोजा प्रियदर्शना। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? अड़ोजा प्रियदर्शना। और इनका जो विवाह हुआ था वो जमाली के साथ हुआ था, कहीं कहीं जामिल या जमाली, जमाली कहीं कहीं जो है जमाली मिलता है, कहीं कहीं जामिल मिलता है। अड़ोजा प्रियदर्शना का जो विवाह हुआ था वो जमाली के साथ हुआ था। एक्चुअली में जमाली जो था ये महावीर स्वामी का, महावीर स्वामी के बहन का लड़का था, यानी कि एक तरह से ये भांजा भी था और ये महावीर स्वामी के स्वामी का दामाद भी था और ये इनका प्रथम शिष्य भी था और ये इनका विरोधी भी था, यानी कि प्रथम बार जो है इनका विरोध करने वाला भी यही था जमाली, यानी कि यह भांजा भी था महावीर स्वामी का, दामाद भी था, प्रथम शिष्य भी था और यह प्रथम बार जो है इसने विरोध भी सबसे पहले किसने किया था? महावीर स्वामी का। तो विरोधी भी यही था, विरोध करने वाला भी यही था। और जो इनका गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम जो था वो राहुल था। इनके पुत्र का नाम क्या था राहुल था। अब थोड़ा सा इनके भाई के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से भी थोड़ा क्वेश्चन बनता है इनके भाई के बारे में, तो आप लोग हमारे साथ साथ नोट करते चलिएगा। इसके बाद है अगला पॉइंट कौन सा है, तो अगला पॉइंट है भाई के बारे में। एक्चुअली में जब महावीर स्वामी के पिता की जब मृत्यु हो जाती है, तो चूँकि ये जो है संन्यास लेने वाले थे, संन्यास लेने के लिए इन्होंने जो है अपने भाई से पूछा, तो इनके भाई ने कहा कि ठीक है अभी आप रुक जाओ थोड़ा सा, क्योंकि उस समय सिचुएशन नहीं था, क्योंकि ये अपने बड़े भाई की आज्ञा, जो इनके बड़े भाई का नाम था वो नंदीवर्धन था, नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर के जो है इन्होंने क्या किया था, संन्यास को ग्रहण किया था। तो इनके भाई का नाम जो था वो नंदीवर्धन था। इनके भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन था। और इनके भाई का नाम, गौतम बुद्ध के भाई का नाम था सिद्धार्थ। यही सिद्धार्थ जिसने जो है सत्ता को हथियाने के लिए कई बार जो है महावीर स्वामी के स्वामी की मतलब हत्या कराने का प्रयास किया, यहाँ तक कि एक बार जो है इसने काफ़ी बड़े पत्थर से वार भी किया था, घायल भी हो गए थे। बाद में जो है आगे चल करके इन्होंने बिम्बिसार का जो राजवैद्य था जीवक जो है आगे चल करके इनका जो है उपचार किया था। तो इस तरह से जो है ये इनके भाई का नाम क्या था, वो सिद्धार्थ था। अगला पॉइंट जो है वह है गृह त्याग। गृह जो त्यागे थे ये अपने बड़े भाई की आज्ञा से इन्होंने जो है गृह को त्यागा था, वो बड़े भाई की आज्ञा से। जबकि महात्मा बुद्ध का जो है कोई भी नहीं चाहता, चूँकि महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले एक तपस्वी कालदेव तपस्वी एक थे, बहुत बड़े जो है तपस्वी थे, उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी या तो जो लड़का होगा, यानी कि उन्होंने जब इनके पिताजी ने जब विचार विमर्श किया, पूछा कि भाई लड़का होगा तो कैसा होगा, उसका भविष्य कैसा होगा, तो इन्होंने ये विचार किया था, भविष्यवाणी की थी, या तो वह चक्रवर्ती सम्राट होगा, भारत का एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट होगा, या तो बहुत बड़ा तपस्वी होगा। तो इस बात का डर कहीं कहीं जो है इनके मन में था। तो किसने भविष्यवाणी की थी? तो तपस्वी कालदेव तपस्वी ने जो है इनकी भविष्यवाणी की थी। तो ये जो है बिना किसी के, यानी कि इन्होंने किसी की इजाज़त लेकर के जो है इन्हें किसी ने जो है इन्हें इजाज़त नहीं दी थी गृह त्याग करने के लिए, कोई इन्हें इजाज़त नहीं दिया गृह त्याग के लिए कोई जो है इन्हें इजाज़त नहीं दिया था महावीर स्वामी को गृह त्याग के लिए। अब देख लेते हैं इन्होंने प्रथम अपना उपदेश कहाँ दिया था। अगला पॉइंट है प्रथम प्रथम
उपदेश, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश। एक्चुअली में अगर हम उपदेश की बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं, इन्होंने जो है लगभग 12 वर्ष तक तपस्या किया। इन्होंने कितने वर्षों तक तपस्या किया? 12 वर्षों तक इन्होंने तपस्या किया, और 12 वर्ष की तपस्या के बाद जो इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो लगभग 12 वर्षों तक इन्होंने तपस्या किया। 12 वर्षों तक तपस्या किया और जिम्भिक ग्राम था रिजुपालिका नदी का नाम था। कौन सी नदी थी? तो नदी थी रिजुपालिका नदी थी और वृक्ष का नाम क्या था? तो साल का वृक्ष। यानी कि 12 वर्षों तक कठोर तपस्या के बाद इन्होंने रिजुपालिका नदी के तट पर जृम्भिक ग्राम में इन्होंने जो है साल वृक्ष के नीचे जो है इन्होंने क्या किया कि ज्ञान को प्राप्त किया, लगभग 12 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत। इसके बाद है महात्मा बुद्ध लगभग 6 वर्षों तक कठिन तपस्या किए, यानी कि महावीर स्वामी के आधे समय तक। यानी महावीर स्वामी ने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी और ये 6 वर्ष तक ही कठिन तपस्या करने के बाद जो है इन्हें महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। और बोधगया यानी कि 6 वर्ष में बोधगया में और यानी कि बोधगया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साल का वृक्ष है और नदी का नाम जो है यहाँ रिजुपालिका नदी है और यहाँ निरंजना नदी है। यहाँ पीपल का वृक्ष है और यहाँ साल का वृक्ष है। यहाँ जृम्भिक ग्राम है और यहाँ बोधगया है। यहाँ पे इन्होंने 6 वर्ष में ज्ञान को प्राप्त किया और यहाँ पे इन्होंने 12 वर्ष में जो है ज्ञान की प्राप्ति की। इसके बाद अगला, इनकी मृत्यु कहाँ हुई? इनकी मृत्यु अगला पॉइंट है, देख लेते हैं। मृत्यु जो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई वो 468 BC में और पावापुरी में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? 468 BC में पावापुरी में। और महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वह 483 BC में कुशीनगर में कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में। यानी कि जो जन्म हुआ था वो 563 BC में हुआ था और जो मृत्यु हुई थी वो 483 BC में हुई थी। जन्म जो हुआ था वो कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और मृत्यु जो हुई थी वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर देवरिया ज़िले में इनकी जो है वो मृत्यु हुई थी। और महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 540 BC में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 468 BC में पावापुरी में हुई थी। 468 BC में कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। अगला पॉइंट है वेद। एक्चुअली में अगर बात करें वेद की तो जैन धर्म जो है ये वेद की प्रामाणिकता को नहीं मानते थे। महात्मा बुद्ध भी वेद की प्रामाणिकता को नहीं मानते थे। वेद की
प्रामाणिकता को यहाँ पे भी स्वीकार नहीं किया गया है, वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार्य नहीं किया गया है, स्वीकार्य नहीं किया गया है। यज्ञवाद और जातिवाद, अगला पॉइंट जो है वह यज्ञवाद और जातिवाद, यज्ञवाद और जातिवाद, जातिवाद। एक्चुअली में जो है यज्ञवाद, यज्ञवाद का खंडन महावीर स्वामी ने भी किया है और महात्मा बुद्ध ने भी किया है, यानी कि यज्ञवाद का इन्होंने खंडन किया है, यज्ञवाद का इन्होंने खंडन किया है, खंडन किया है, यज्ञवाद का खंडन किया है और जातिवाद को अमल में नहीं ला सके, जातिवाद को अमल में नहीं ला सके, जातिवाद को अमल में नहीं ला सके, नहीं ला सके, जातिवाद को अमल में नहीं ला सके। यहाँ पे भी इन्होंने जो है यज्ञवाद का विरोध किया है, यज्ञवाद का खंडन किया है, जबकि जातिवाद को इन्होंने अमल में लाया, जातिवाद को अमल में लाया, जातिवाद को अमल में लाया। एक्चुअली में महात्मा बुद्ध का कहना था कि जातिवाद कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन एक्चुअली में जो वैदिक धर्म में जो वर्ण व्यवस्था को इतना जो है कठोर बना दिया उत्तर वैदिक काल में, इसका मतलब नहीं है यहाँ जो है, इससे उत्तर वैदिक काल जो है जो वर्ण व्यवस्था है उससे तात्पर्य महात्मा बुद्ध का नहीं है। एक्चुअली में जो है जो जातिवादता है ये जो है एक्चुअली में स्पेसिफाई को जन्म देता है, यानी कि स्पेशलिस्ट को, यानी कि हर व्यक्ति जो है वो अपने आप में क्या होगा, अपने आप में निपुण होगा, अपने आप में पारंगत होगा, यानी कि यहाँ पे जो है यज्ञवाद का इन्होंने भी खंडन किया है पर जातिवाद, जातिवाद को इन्होंने अमल में लाया है। तो यहाँ पे जो है इन्होंने यज्ञवाद का खंडन किया है तथा जातिवाद को भी अमल में नहीं ला सके। अगला पॉइंट जो है वह है, वह त्रिरत्न, त्रिरत्न। अगला पॉइंट कौन सा है, तो अगला पॉइंट है त्रिरत्न, त्रिरत्न, त्रिरत्न जो है, अगर हम जैन धर्म में त्रिरत्न की बात करें तो सम्यक, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र, चरित्र, यानी कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ये जैन धर्म के तीन रत्न हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, जबकि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, बुद्ध, बुद्ध, धम्म, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ ये क्या हैं, बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म के क्या हैं, त्रिरत्न हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। और जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ये जैन धर्म के जो है त्रिरत्न हैं। अगला है भक्तिवाद, अगला है भक्तिवाद, भक्तिवाद। एक्चुअली में अगर भक्तिवाद की बात करें तो कालांतर में जो है जैन धर्म में भी भक्तिवाद आ गया और बौद्ध धर्म में भी भक्तिवाद आ गया, ना तो पहले जैन धर्म में भक्तिवाद था और ना ही बौद्ध धर्म में पहले भक्तिवाद था, तो कालांतर में, कालांतर में बौद्ध धर्म में, कालांतर में जैन धर्म में, कालांतर में या तो भक्तिवाद का उदय हुआ, भक्तिवाद का उदय हुआ, कालांतर में भक्तिवाद का उदय हुआ। यहाँ पे भी क्या हुआ कि जैन धर्म में भी कालांतर में भक्तिवाद का उदय हुआ, भक्तिवाद का, भक्तिवाद का उदय हुआ, उदय हुआ, कालांतर में भक्तिवाद का उदय हुआ। अगला है मूर्ति पूजा, अगला है मूर्ति पूजा,
अगला है मूर्ति पूजा। एक्चुअली में यहाँ जो मूर्ति पूजा होती थी, पहले तो मूर्ति पूजा नहीं थी, ना तो बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा थी और ना ही जैन धर्म में मूर्ति पूजा थी। तो कालांतर में जो है जो मूर्ति पूजा का उदय हुआ, तो यहाँ पे जो मूर्ति पूजा होती थी वो जैन तीर्थंकरों की होती थी, जैन तीर्थंकरों की जो होती थी वो मूर्ति पूजा कालांतर में होने लगी। पहले नहीं, ऐसा नहीं था, जैन तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा होने लगी, मूर्ति पूजा। और यहाँ पे बौद्ध की मूर्ति की पूजा होने लगी। एक्चुअली में जो है पहले दोनों धर्मों में भी ऐसी कोई बात नहीं थी, यहाँ पे जो है किसी प्रकार की मूर्ति पूजा नहीं होती थी। इसके बाद अगला पॉइंट जो है वह है उपासना। अगला पॉइंट है उपासना। एक्चुअली में उपासना की बात करें तो जैन धर्म में भी यह उपासना नहीं होती थी, उपासना नहीं, और यहाँ पे भी उपासना नहीं होती थी, उपासना नहीं होती थी। अगला है अहिंसा। अगला पॉइंट कौन सा है, तो अगला पॉइंट है अहिंसा। यानी कि जैन धर्म में किसी भी प्रकार की हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं था। यानी कि यहाँ पे ये लोग जो थे, जो जैन धर्म के लोग यहाँ तक कि चप्पल नहीं पहनते थे, यहाँ तक कि किसी भी प्रकार की जीव हत्या को पाप समझा जाता था। यानी कि किसी भी प्रकार की अहिंसा को कतई जो है स्वीकार नहीं किया जाता था, किसी भी प्रकार की अहिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाता था। यानी कि अहिंसा बिल्कुल स्वीकार नहीं था। जबकि बौद्ध धर्म में जैन धर्म की अपेक्षा थोड़ा सा यहाँ पे रियायत थी। यानी कि जैन धर्म की अपेक्षा अहिंसा कम था। साहित्यिक ग्रंथ। साहित्यिक ग्रंथ की बात करें तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। जबकि बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता था, त्रिपिटक। अब इस त्रिपिटक में आपका आ जाएगा सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता था और बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता था, जिसके अंतर्गत सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक के नाम से जाना जाता था। अगला पॉइंट है प्राचीनता। एक्चुअली में जो है जैन धर्म काफ़ी प्राचीन है, बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैन धर्म काफ़ी प्राचीन है। एक्चुअली में जो जैन धर्म है इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए थे और 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी, वो जो है महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैन धर्म जो है वो बौद्ध धर्म की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्राचीन था।
जबकि बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैन की अपेक्षा कम प्राचीन था। जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म कम प्राचीन था, कम प्राचीन था, जैन धर्म की अपेक्षा कम प्राचीन था। इसके बाद है अगला पॉइंट देख लेते हैं थोड़ा सा। माता पिता, आप लोग नोट करते चलिए, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा सा ऊपर हमको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद है अगला पॉइंट जो है वह है माता पिता, यानी कि माता पिता जो हैं वो सिद्धार्थ हैं, यानी कि महावीर स्वामी के जो माता पिता थे वो इनके काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहे। माता पिता काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहे महावीर स्वामी के माता पिता जीवित रहे, जबकि महावीर स्वामी के माता पिता जो है काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहे जबकि महात्मा बुद्ध की माता जो है इनके जन्म के 7 दिनों बाद ही इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। माता की मृत्यु 7 दिन बाद ही हो जाती है, 7 दिन बाद ही हो जाती है, हो जाती है, 7 दिन बाद ही हो जाती है। और जो है इनका पालन पोषण उनके मौसी जो है प्रजापति गौतमी करती हैं। अगला पॉइंट है धर्म, यानी कि किसके द्वारा जो है कौन से धर्म की स्थापना की गई, या इसी को आप मान सकते हैं संस्थापक। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। और जबकि महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक। अगला पॉइंट है मोक्ष, यानी कि मोक्ष की बात करें तो जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त के लिए यानी कि मृत्यु के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जैन धर्म में मृत्यु के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बौद्ध धर्म का मानना है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं कि जीवन यानी कि मृत्यु के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति हो, यानी कि जीवन के दौरान ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए महात्मा बुद्ध ने जीवन के दौरान ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। और मोक्ष को प्राप्त करने के महात्मा बुद्ध ने अपना अष्टांगिक मार्ग भी दिया है। अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से जो है इन्होंने जो है बताया है कि जीवन के मतलब मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप जो है जीवन को त्याग दें, यानी कि मृत्यु के जीवन के बाद ही जो है मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जबकि जैन धर्म का मानना था कि जीवन के बाद ही जो है वो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अगला है भाषा। जैन धर्म के लोग पहले प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे। पहले जो है ये लोग कौन सी भाषा इस्तेमाल करते थे? प्राकृतिक भाषा इस्तेमाल करते थे। बाद में इन्होंने
संस्कृत भाषा का बाद में इन्होंने जो है प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। और महात्मा बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म के लोग जो थे ये पाली भाषा का यानी कि यहाँ पे ये लोग जो है प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे ये लोग पाली भाषा का प्रयोग करते थे। पाली भाषा प्राकृतिक और पाली, जबकि बाद में इन्होंने भी जो है जैन धर्म के लोगों ने भी बाद में जो है संस्कृत भाषा का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। और यहाँ पे ये लोग भी जो है बौद्ध धर्म के लोगों ने भी जो है यहाँ पे क्या किया कि बाद में संस्कृत भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। संस्कृत भाषा का प्रयोग इन्होंने करना प्रारंभ कर दिया। अगला पॉइंट है आत्मावादी या आत्मावादी या अमानवतावादी है, अमानवतावादी यानी कि अमानवतावादी पे, मानवतावाद पे इन्होंने ज़्यादा जो है बल दिया है। मानवतावाद पे क्या दिया है बल, जैन धर्म ने मानवतावाद पर बल दिया है, मानवतावाद पर बल दिया है इन्होंने जो है जैन धर्म ने क्या किया है कि मानवतावाद पर बल दिया है जबकि जैन धर्म ने भी क्या किया है कि मानवतावाद पर बल दिया है। इसके बाद अगला पॉइंट जो है वो है नग्नता। यानी कि जैन धर्म का मानना था कि जैन धर्म के लोग क्या करते थे कि वस्त्र को ग्रहण नहीं करते थे, ये लोग बिना वस्त्र के रहते थे, यानी कि ये लोग क्या रहते थे बिना वस्त्र के रहते थे। इनका ऐसा मानना था कि मोक्ष की प्राप्ति में क्या है कि ये वस्त्र जो है बाधक है। इनका मानना था कि आकाश जो है हमारा क्या है, हमारा वस्त्र है, आकाश ही हमारा क्या है वस्त्र है, ये आकाश को अपना वस्त्र मानते थे क्योंकि ये लोग क्या करते थे वस्त्र धारण नहीं करते थे। और ये लोग बौद्ध धर्म के लोग, ये लोग वस्त्र धारण करते थे। यानी कि वस्त्र धारण जैन धर्म के लोग नहीं करते थे और बौद्ध धर्म के लोग वस्त्र धारण करते थे। इसके बाद अगला पॉइंट है कर्मवाद। यानी कि कर्मवाद पर भी जैन धर्म भी कर्मवाद पर बल देता था और बौद्ध धर्म भी कर्मवाद पर बल देता था। यानी कि कर्मवाद पर बल देते थे यानी कि ये दोनों में समानता है। यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों जो है वो कर्मवाद पर बल देते थे। अगला पॉइंट जो है वह है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म में जैन धर्म भी विश्वास करते थे पुनर्जन्म में और बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास करता था। यानी कि पुनर्जन्म में जैन में विश्वास, दोनों धर्म यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों लोग जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म में विश्वास और बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास। अगला पॉइंट कौन सा है संघ स्थापना। संघ स्थापना में यदि हम बात करें जैन धर्म में तो यहाँ पे
जैन धर्म में संघ स्थापना में भिक्षु, संघ की स्थापना में भिक्षु, भिक्षुड़ी, भिक्षु भिक्षुड़ी। इसके बाद उपासक, उपासक उपासिनी, उपासक उपासिनी। यानी कि संघ स्थापना में भिक्षु भिक्षुड़ी, उपासक उपासिनी, ये इतने लोग होते थे संघ में। बौद्ध धर्म में भी इतने लोग होते थे और जैन धर्म में इतने लोग होते थे। यानी कि भिक्षु भिक्षुड़ी, उपासक और उपासिनी, भिक्षु भिक्षुड़ी, भिक्षु भिक्षुड़ी, उपासक और उपासिका या उपासिनी, उपासक या उपासिनी, उपासक या उपासिनी। तो संघ स्थापना जो है इनका रोल हुआ करता था। अगला पॉइंट है महापरिनिर्वाण, परिनिर्वाण। अगला पॉइंट है परिनिर्वाण या निर्वाण की प्राप्ति, परिनिर्वाण या निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति। एक्चुअली में जैन धर्म में जो निर्वाण प्राप्त करने की जो पद्धति थी, जो प्रथा थी, वो एक्चुअली में बहुत कठोर थी। एक्चुअली में जो है निर्वाण प्राप्त करने की जो पद्धति थी, जो सिस्टम था, वो संलेखना, संलेखना या संथारा पद्धति, संलेखना या संथारा, संथारा पद्धति, संलेखना या संथारा पद्धति के द्वारा जो है जो जैन धर्म के लोग होते हैं ये अपने प्राण त्यागते हैं। यानी कि इस माध्यम से जो है इनको निर्वाण की प्राप्ति होती है, निर्वाण की प्राप्ति होती है। जबकि जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं, बौद्ध धर्म में ये लोग निर्वाण की प्राप्ति करने के लिए यानी कि ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं, यानी कि ध्यान की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में जो है ये लोग क्या जाते हैं निर्वाण की प्राप्ति करने के लिए। और ये लोग क्या हैं कि ये जैन धर्म के लोग जो हैं ये संलेखना या संथारा पद्धति के द्वारा जो है ये अपने प्राण त्याग देते हैं। तो इस तरह से जो है हमने पूरे टॉपिक को डिटेल से कवर किया। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो इससे बाहर हो जाए। यानी कि जितने भी समानता थी, जितना भी असमानता थी, हमने पूरे टॉपिक को डिटेल से कवर किया। अब इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो अब इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।